नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद आपके पेट में कौन कौन से बदलाव होते हैं, जिससे कि आप थोड़ा सा नज़र लगा सकते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी हो गई है, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। प्रेगनेंसी का पता लगाने का भी बहुत सा तरीका आजकल आपको मिल जाता है। घर बैठे आप पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो नॉर्मली पीरियड मिस होने के लगभग 8 से 10 दिनों के बाद अगर आप टेस्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल सकता है। बाकी देखिए, जब आप कंसीव कर लेते हैं तो कंसीव करने के बाद ही आपके प्रेगनेंसी की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और 5 से 7 दिनों के अंदर ही आपका जो भ्रूण है वो प्रत्यारोपित हो जाता है, यानी कि एग और स्पर्म मिल जाते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आपके गर्भाशय में आगे चिपक जाते हैं, मतलब कि यूट्रस में आगे चिपक जाते हैं, और आपकी प्रेगनेंसी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाती है। देखिए, नॉर्मली एक बात ये भी होती है कि कुछ महिलाओं को ना कंसीव करने के 5 से 7 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद ही ना लक्षण दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ महिलाओं को जब नॉर्मली अल्ट्रासाउंड करवाते हैं 1.5-2 महीने बाद, तब उनको लक्षण दिखाई देता है। कुछ महिलाओं को पीरियड मिस होने के कुछ टाइम के बाद लक्षण दिखाई देता है, और कुछ महिलाओं को तो लक्षण दिखाई ही नहीं देता, उनको पता ही नहीं चलता कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। जब उनका पीरियड नहीं आता है तो वो कभी चेक करती है तो उनको पता चलता है कि हाँ जी, मैं गर्भवती हो गई हूँ। तो अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के साथ होती हैं, जैसे कि थकान होना, वॉमिटिंग आना यानी कि उल्टी होना, जी मिचलाना, जी घबराना, पेट में अजीब सा लगना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आगे जानेंगे तो कुछ चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। तो पेट की बात हम कर रहे थे, तो हम पेट की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको आपके पेट में कुछ बदलाव दिखाई दे सकता है। देखो, जब आप गर्भवती हो जाती हैं तो नॉर्मली आपका जो पेट है ना वो खिंचता है। अगर आपको भी ऐसा लगे कि आपके पेट में खिंचावट सी हो रही है तो एक ये लक्षण हो सकता है कि आप शायद गर्भवती हो चुकी हैं। नॉर्मली इस समय आपके शरीर में बहुत सारे नए नए हार्मोन्स बनने लग जाते हैं, हार्मोन्स में उतार चढ़ाव होता रहता है, तो इस वजह से आपको पेट में खिंचावट सी महसूस होती है, पेट आपका टाइट हो जाता है, कड़क हो जाता है, और कई बार महिलाओं को पेट में दर्द की समस्या भी हो जाती है। तो ये स्टार्टिंग का एक लक्षण है। इसके अलावा बहुत समय लोगों को ना पेट फूला फूला सा महसूस होता है, उनको लगता है उनका पेट फूल रहा है, और पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ महिलाओं को कब्ज की समस्या भी हो जाती है। तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका पेट फूला फूला सा लगेगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है ना, वो काफ़ी अधिक मात्रा में बनने लग जाती है, तो आपको पेट फूला फूला सा, भरा भरा सा महसूस होता है। और नॉर्मली बहुत सारे महिलाओं को ना पेट में सूजन की समस्या भी हो जाती है, उनको लगता है कि उनका पेट सूज गया है, तो एक ये भी लक्षण है कि आप गर्भवती हो चुकी हैं। इसके अलावा देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि इस समय ना आपके वाइट डिस्चार्ज में परिवर्तन होने लग जाता है। आपका वाइट डिस्चार्ज पहले बहुत ही पतला रहता है, मतलब कि अंडे के सफ़ेद भाग जैसा रहता है, पतला सा, लेकिन धीरे धीरे करके गाढ़ा होने लग जाता है, और आपको काफ़ी अधिक मात्रा में वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो जाती है, क्योंकि एक तो हार्मोन्स की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, बाकी जब आपका बच्चा प्रत्यारोपित हो जाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए आपका जो बॉडी है वो वाइट डिस्चार्ज निर्मित करने लग जाता है, निर्माण करने लग जाता है, जिससे कि आपका बच्चा सुरक्षित रहे और आपको भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो वाइट डिस्चार्ज इस समय अगर आपको होता है तो एक ये भी लक्षण है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, और आपको ये लगातार होता है, बंद नहीं होता कि 2-4 दिन हो गया बंद हो गया, वो होता ही रहता है। अगर हो रहा है तो, बहुत समय लोगों नहीं भी होता है, अगर आपको हो रहा है तो एक ये लक्षण है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं को ना इस समय कमर दर्द की परेशानी हो जाती है, किसी को पैरों में क्रैम्प्स की प्रॉब्लम हो जाती है, पैरों में ऐंठन की समस्या हो जाती है, किसी किसी महिलाओं को सर में दर्द की परेशानी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा सर में दर्द होता है। सब हार्मोन्स की वजह से होता है, प्रेगनेंसी की वजह से होता है। तो मान लीजिए कि पहले आपको बिल्कुल भी सर में दर्द की समस्या नहीं थी, लेकिन अचानक से होने लग गया है, तो आप इससे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि शायद मैं गर्भवती हो सकती हूँ। पेट में तो बदलाव होता ही है, कब्ज की समस्या होना, गैस की समस्या होना, पेट फूला फूला लगना, भरा भरा लगना, टाइट हो जाना, तो ये सारे लक्षण होते हैं जिससे कि आप अंदाजा लगा सकती हैं कि शायद मैं गर्भवती हो गई हूँ। और आपको रात में ना बहुत ज़्यादा यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो जाती है, लगातार आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या होती है, कि ये भी लक्षण है। बहुत सारे महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनका जो जीभ है ना, मुँह का स्वाद कसीला हो गया, कड़वा सा हो गया, कुछ भी खाती है तो कड़वा कड़वा सा महसूस होता है, तो ये भी लक्षण है। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि आपके ब्रेस्ट के साइज़ में परिवर्तन हो जाता है, ब्रेस्ट में आपको दर्द हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है आपका ब्रेस्ट, तो आपको भी लगता है कि आपके ब्रेस्ट में बदलाव हो रहा है, तो ये भी लक्षण है कि शायद आप गर्भवती हो चुकी हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जितने भी लक्षण मैंने आपको बताए हैं उनमें से सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे, हो सकता है कि इनमें से आपको 2 से 4 लक्षण दिखाई दें, 10 से 12 लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जितने मैंने आपको बताए हैं वो सारे दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपको इनमें से कोई सा लक्षण दिखाई नहीं दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी महिला को कोई सा भी लक्षण नहीं होता,
हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम काम में बिजी रहते हैं या फिर हम ऑलरेडी डिस्टर्ब रहते हैं तो हमें दर्द होता है तो होने देते हैं, हमें लगता है कि हम सोए नहीं हैं या फिर हमें टेंशन की वजह से किसी और चीज़ की वजह से दर्द हो रहा है, तो कई बार हम इग्नोर मार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी पेट में क्या क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और पता करने का तरीका यही है कि भाई जब पीरियड मिस हो जाता है तो आप उसके बाद 8 से 10 दिनों के बाद, 1.5 महीने के बाद चेक कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं गर्भवती हूँ या फिर नहीं हूँ। बाकी समझ में नहीं आता तो डॉक्टर के पास चले जाइए, वहाँ पे वो टेस्ट वगैरह करेंगे, तो उससे भी आप आराम से कंफर्म हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।